एग्जांपल नंबर, एग्जांपल सिक्स हो गया था। लास्ट क्लास तुम किए थे ना, कॉपी है क्या? देखना एरिया वाला कहाँ है, एरिया वाला एरिया नहीं है क्या? एक एक्सरसाइज की थी ना, ओके ठीक है। देखो तो ये प्रॉब्लम करवाया था क्या, फाइंड द एरिया एग्जांपल नंबर सिक्स था, ये करवाया गया था क्या एग्जांपल नंबर सिक्स, किसी को याद है क्या? बोला गया ना फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड लाइन बिटवीन द पैराबोलास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और साथ में है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है ना, प्रोवाइडेड a शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये नहीं करवाया गया तो ये प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं अभी सॉल्व। हाँ ठीक है चलो, तो बेसिकली देखो यहाँ पे तो एक तो पैराबोला है, मतलब दोनों पैराबोला है, तो एक ऐसा होगा है ना, इसका इक्वेशन ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, क्लियर। और दूसरा जो आएगा हमारे पास वो बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसके बीच का जो एरिया आपको दिख रहा होगा ये पोर्शन, इसकी एरिया हमें क्या निकालना, इसकी एरिया हमें फाइंड आउट करनी है। तो फाइंड आउट करने के लिए अपन को पहले क्या करना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो सपोज अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की हम बात करते हैं तो बेसिकली x की वैल्यू निकाल दो है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर। एक्स की वैल्यूज अगर आ गया मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पहले निकाल लेते हैं। तो इसके लिए आप, इसके लिए हमें क्या करना है, सॉल्व करनी है। तो सॉल्व कैसे करोगे, वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले और उससे हो जाएगा। हाँ अच्छा, यहाँ से देखो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकल जाएगा है ना, तो यहाँ से अगर आपने वाई की वैल्यू निकाला तो वी गेट वाई इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स स्क्वायर अपॉन 4 है ना, ये मिल जाएगा। और ये जो वैल्यूज आपने निकाला ये वैल्यू आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो तो फिर ये देखने में कैसा रहेगा, फिर ये बन जाएगा एक्स रेज टू 4 है ना अपॉन 16a स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू 4ax है ना, क्लियर। ऐसा कुछ आएगा इक्वेशन हमारे पास और हमें यहाँ से x की वैल्यूज निकालनी है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो फिर ये बन जाएगा एक्स रेस टू 4 इज इक्वल टू 64a³x बराबर है। और फिर आप ऐसा करो एक्स रेस टू 4 माइनस 64a³x इज इक्वल टू 0,
तो अगर आपने एक कॉमन लिया तो देन आई गेट एक्स क्यूब माइनस 64 ए क्यूब दिस इज इक्वल टू 0। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी या फिर x क्यूब की वैल्यू 64 ए क्यूब बन जाएगा। तो फ्रॉम दिस वी कैन गेट वी विल गेट x इज इक्वल टू 4a, है ना, ये आ गया। अच्छा हमें मतलब चाहिए क्या था, x ही चाहिए था ना। अच्छा एक इंटरसेक्शन पॉइंट तो ये वाली है और एक इंटरसेक्शन पॉइंट ये वाला है ना, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगा? सिंपली अगर इस लाइन को अगर आपने एक्सटेंड किया तो x इज इक्वल टू 4a बन जाएगा, है ना, बराबर। और एरिया हमने आपको सिखाया था क्या करना है, अपर माइनस लोअर करना है हमें, है ना। इस केस में हमें क्या करना है, अपर माइनस लोअर, उससे इजिली बन जाएगा। तो एरिया क्या आएगा, तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, ये लाइन x इज इक्वल टू 0 है तो फ्रॉम 0 टू 4a, है ना, 0 से लेकर कहां तक होगा जी, 4a तक, अपर। अपर की का मतलब अपर का क्या था, अपर की इक्वेशन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ 4a, है ना, अपर माइनस लोअर। लोअर की कहानी क्या है, लोअर में y की वैल्यू क्या है, मतलब फॉर्मूला क्या था, वाई डी एक्स, तो y की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और यहां पे जी लग जाएगा डी एक्स, ठीक है। अब बाकी आप इंटीग्रेशन इजीली निकाल सकते हैं ना, तो आगे हमने कोशिश कर रहे हैं, आगे नहीं प्रोसीड कर रहे, ओके। 16a² / 3, हाँ उतना आता है, क्लियर, 16a² / 3। और कोई प्रॉब्लम, और कुछ तो नहीं मेरे हिसाब से, बाकी तो बन जाएंगे। हाँ और अगर कोई प्रॉब्लम अगर आपको बताना है तो बता सकते हो, कौन सा करवाना है, तो ये बाकी शायद बन जाएगा आज। चलो ये तो खत्म हो गया हमारा, हाँ ओके। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको पूछना है या फिर बोलो कि ना सर ये एग्जांपल दिखा दीजिए, तो फिर वही बता सकते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है, यही आ गया। ठीक है, तो और कुछ नहीं है इसमें, और तो कुछ नहीं है सर। तो आप नेक्स्ट चैप्टर लिखिएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ नेक्स्ट चैप्टर आप लिखिएगा, टॉपिक हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक्सरसाइज भेज दो जो जो है, शायद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है आपके सिलेबस में, तो बाकी आप भेज दो, है ना, कौन भेजेगा, साधरूप भेज दो, ठीक है, जब तक मैं स्टार्ट करते हैं आराम से आप सेंड करो। काफी सिंपल चैप्टर है, डिफरेंशियल इक्वेशन ना, पहले देखिए इसमें होता है ऑर्डर, एक तो ऑर्डर होती है और एक डिग्री होती है, ऑर्डर क्या होता है, द हाईएस्ट
होती है जी कोफिशिएंट, इन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमारा हाईएस्ट डिग्री मतलब हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट रहेगा ना उसे हम क्या कह देंगे ऑर्डर कहेंगे। हाँ जैसे एग्जांपल दिखा रहे हैं, जैसे मान लो इक्वेशन हमारे पास ऐसा कुछ है वाई इंटू डी टू वाई ओवर डी स्क्वायर प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस मान लो यहाँ पे डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू है इक्वल्स टू मान लो फाइव है ना। तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट मतलब आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अच्छा डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है dy अपॉन dx, या तो d2 ओवर dx स्क्वायर या फिर dq y ओवर dx क्यूब है ना, d4 d5 वैसे करके। अब जो हाईएस्ट है, हाईएस्ट क्या है इसमें क्या मतलब क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा होगा तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा है ना। तो ऑर्डर निकालना तो एकदम सिंपल है बराबर, जो हाईएस्ट आपको दिखा वही बन जाएंगे ऑर्डर। हाँ तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर बन जाएगा 3। क्या ब्लू शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है तो ब्लू को हटा देते हैं। ओके तो ये आप लिख लीजिएगा ऑर्डर, क्लियर ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा पिंक विजिबल है ना, पिंक भी अगर विजिबल नहीं हो तो बता दो फिर दूसरा कुछ देखा जाएगा बराबर। अच्छा अब एक आता है डिग्री है ना, डिग्री का डेफिनेशन क्या है, एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, जो डिफरेंशियल इसकी जो इसकी एक्सपोनेंट रहेगी ना वो उसका ऑर्डर बन जाएगा, जो हमारा हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसकी पावर हमें देखना है, इसकी क्या देखना है हमें पावर, पावर कितना है यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है ना इसकी पावर बराबर, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या आ जाएगा इसकी 1 बराबर। सपोज अगर ऐसा रहता पावर यहाँ पे हमने 5 दे दिया ठीक है ना, फिर भी डिग्री हमारा 1 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि ना हाईएस्ट पावर आपने 5 देख लिया उसका, तो किसका देखोगे जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर, क्लियर जो हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर पे हमें सिर्फ फोकस करना है। अच्छा और एक बात इसमें ये नहीं होनी चाहिए, मतलब रूट नहीं होनी चाहिए, इसका भी किसी का भी रूट नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो इक्वेशन है ना हमारा ये इक्वेशन तुम्हारा पॉलीनोमियल में एक्सप्रेस होना चाहिए ठीक है, पॉलीनोमियल में एक्सप्रेस होना चाहिए क्लियर। पॉइंट ऑफ सबसे डिग्री जो है मतलब जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है चाहे ये चाहे वो, चाहे डीवाई बाई डी एक्स चाहे डी क्यू वाली या फिर डी स्क्वायर की, पावर हमेशा क्या होना चाहिए हमारा नंबर में होनी चाहिए, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स में होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगा क्लियर, उसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगा। चलो अभी आते हैं प्रॉब्लम पे, जैसे मान लो एक एग्जांपल और दिखा लेते हैं, y डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे हमने सपोज पावर दे दिया 1/5, क्या दिया जी 1/5 इज इक्वल टू मान लो यहाँ पे अगर कुछ x प्लस 2 दे दिया क्लियर, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू वाई ओवर डी एक्स बराबर, कुछ ऐसा इक्वेशन है और हमें क्या निकालना है यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री। तो ऑर्डर तो सिंपल है ना, ऑर्डर निकालना काफी सिंपल है, तो इस प्रॉब्लम के लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा 3, जो हाईएस्ट हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट है वही बन जाएगा ऑर्डर है ना। डिग्री में क्या दिक्कत है, अब मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा डिग्री यहाँ पे 1 है ना बराबर, डिग्री 1 है लेकिन पावर दिख रहा है आपको, ये पावर क्या है 1/5, तो इसे हमें ठीक करना है, ठीक करना है मतलब इसे हमें नेचुरल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल है 5 मतलब डिग्री अगर 5 अगर ले लिया हमने है ना मल्टीप्लाई कर लिया तो क्या हो जाएगा वाई डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2^5 मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू और इसकी पावर क्या आ जाएगी
फाइव आ जाएगा, है ना। ठीक, तो अब क्या होगा डिग्री? इतना देखने के बाद हमें समझ में आ गया कि डिग्री भैया कितने होने वाली है, फाइव होने वाला है। हाँ बता रहे, क्लियर, ये हो गया। हाँ अच्छा, ठीक है, अभी आगे देखिए। तो यहां तक क्लियर है ना, मतलब पहला हमने सीखा फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रैक्शन है तो उसे हम ठीक करेंगे, बराबर। अच्छा अब मान लो ऐसा आ गया कहीं पर, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। एक ये दिखा रहे हैं इसी के साथ, और एक हम दिखाना चाहेंगे ये वाली साइन ऑफ डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, या दो अलग अलग इक्वेशन है, बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, हम देख रहे हैं। हाँ चलिए, अच्छा इसमें डिग्री कितना होगा, सॉरी ऑर्डर, ऑर्डर सिंपल है ना, ऑर्डर दोनों के लिए सेम ही रहेगा, है ना। दोनों के लिए ऑर्डर हमारा सेम ही रहने वाला है टू, तो ऑर्डर हमेशा डिफाइन करता है निकलेगा। डिग्री में दिक्कत क्या है ना, आप इसे पॉलिनोमियल में एक्सप्रेस नहीं कर सकते इस इक्वेशन को, क्यों, यहां पर साइन आ गया, बराबर, साइन ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो इस केस में हमारा डिग्री जो है वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है ना। डिग्री यहां पे क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा, मतलब टर्म्स ऐसे नहीं दिखने चाहिए कभी, साइन ऑफ साइन कॉस टेन, है ना, साइन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, या फिर ई की पावर डी वाई ओवर डी, हाँ हो जाता है ना, वो तो अलग अलग है ना, क्लियर। ऐसे फंक्शन में दिखने कि आपको ले लिया मान लो एलेन डी वाई ओवर डी, ये सब टर्म हमें नहीं दिखना चाहिए। अगर ऐसा टर्म है तो फिर डिग्री यहां पे डिफाइन नहीं करने वाला है। ओके अच्छा, अब यहां तो डिग्री डिफाइन नहीं हुआ, अब सेम लॉजिक से तुम बताओगे कि ना सर तो इसका डिग्री भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें इसे आप कैसे लिख सकते हो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस थ्री, है ना। अब देखिए, अब ये हमारा डिफरेंशियल पॉलिनोमियल फंक्शन में एक्सप्रेस है, मतलब जो ये हमारा टर्म है ये फ्री ऑफ कोई भी मतलब फंक्शन है, है ना। तो इस केस में इसके लिए डिग्री हमारा क्या आ जाएगा जी, वन है, पावर है ना, हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर। लेकिन अब बोलोगे सर काम करो आप यहां भी ट्रांसफर करो, लेकिन अगर आप यहां भी ट्रांसफर करते हो तो क्या आएगा, कुछ ऐसा बनेगा ना, साइन इनवर्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स, तो दिक्कत ही हो गया ना। क्या दिक्कत हो गया, फंक्शन के अंदर है ये टर्म डिफरेंशियल कोफिशिएंट, बराबर, तो इसलिए इसका डिग्री डिफाइन नहीं करेगा, आया समझ में, है ना। अगर वो सॉल्व करने के बाद अगर हट जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, लेकिन अगर नहीं हट रहा है तो उसकी डिग्री कभी भी डिफाइन नहीं होने वाली है, है ना। तो ये तो काफी छोटा मुद्दा रहा। अभी और भी एग्जाम्पल दिखाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो। y इज इक्वल टू e रेस टू डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। इसका आप मुझे बताओगे ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, इसका आप मुझे क्या बताओगे, ऑर्डर एंड डिग्री, चलिए बताइए। इसका आपको क्या बताना है, ऑर्डर एंड डिग्री,
अच्छा 6.6 है क्या? हाँ सर। अच्छा लेकिन इसमें दिक्कत है यार, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, वो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा, ये तो लफड़ा हो जाएगा क्योंकि 6.5 आपको नहीं सिखाया जाएगा। चलो देखते हैं, पहले वहां तक पहुंचते हैं हम लोग, उसके बाद क्या बता रहे हो ध्रुव? ऑर्डर 1 डिग्री नॉट डिफाइंड। अच्छा और कोई डिफरेंट आंसर? डिग्री इसका डिफाइन करेगा, ऑर्डर तो 1 होगा है ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट वही है। डिग्री के लिए क्या है ना, अगर सपोज आपने दोनों तरफ एलएन ले लिया है ना, एलएन ले लेने से क्या हो जाएगा, एलएन वाई इज इक्वल्स टू एलएन ई रेस टू डिवाई ओवर डी, और ये सामने आ जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, एलएन वाई इज इक्वल्स टू डीवाई ओवर डी, क्योंकि मतलब एलएन ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 है ना। तो अब तो इसके डिग्री निकलेगा है ना, अब क्या होगा डिग्री, क्योंकि ये हमारा डिफरेंशियल कोफिशिएंट में है, मतलब पॉलीनोमियल में है बराबर, तो डिग्री यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आने वाला है, डिग्री 1 आने वाला है, क्लियर। बस एक मिनट चलिए, कुछ प्रॉब्लम करते हैं बुक का। एक्सरसाइज 6.1 जिसके पास बुक है वो देख ले, एक्सरसाइज 6.1 1 का 7। ये सब आएंगे, वो आपका एमसीक्यू जो है ना सीईटी में भी इससे पूछे जाते हैं। हाँ बताइए इसका, ऑर्डर 2 डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, क्योंकि अगर आप वैसे करोगे तब भी नहीं आएगा है ना, मतलब किसी हालत में नहीं आने वाला है। हाँ जी, तो ऑर्डर आप बता रहे हैं 2 है, सही है, डिग्री नॉट डिफाइंड है ना, एनडी। हाँ डिग्री आपका यहाँ पे नॉट डिफाइंड है, हाँ सही है। नेक्स्ट नंबर 9, तो नंबर 9 के तरह ही है, d2y नंबर 9 थोड़ा इसे बनाओ, d2y ओवर dx स्क्वायर रेस टू सपोज हमने दे दिया आपको 5/6 माइनस dy बाई dx रेस टू हमने दे दिया 1/5 दे दे, चलो 5 दे दे इक्वल्स टू 20। चलिए आपको इसका क्या बताना है हमें, ऑर्डर एंड डिग्री। अच्छा ऑर्डर तो 2 है, चलिए आप डिग्री बताइए हमें, डिग्री क्या होने वाला है।
डिग्री 25। चलो देखते हैं। ठीक है देखा, इतना समझ में आया होगा। इस टर्म को हमें उधर शिफ्ट करना है ना, तभी जाकर कुछ हो पाएगा, क्योंकि रेस टू 5/6 है एंड दिस इज इक्वल्स टू बनेगा ये डीवाई बाई डी एक्स रेस टू 1/5 + 20। हाँ ये 20 है यहाँ। अब बेसिकली हमें क्या करना है ना, कुछ नहीं, यहाँ पे पहले तो पावर को हम लोग वैल्यू देंगे। काम करते हैं, पहले इसे कुछ ठीक कर लेते हैं। हाँ इस वाले टर्म को, तो इस वाले टर्म को ठीक करने के लिए यहाँ पे 5 करेंगे, है ना, बराबर। कॉम्बिनेशन से बनेगा, है ना। अच्छा ठीक है, चलिए देखते आगे बढ़ते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा। चलो पहले 5 कर लेते हैं। तो अगर आपने इसे ओपन किया, समझ आ रहा, बाइनोमियल का लगेगा फंडा, क्या हो जाएगा पहले 5c0, हाँ 5c0, इसके बाद जो टर्म आया dy बाई डी एक्स, ठीक है, और रेस्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये तो 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, 5c1, और भैया ये क्या आएगा, dy बाई डी एक्स रेस टू 4/5 आ जाएगा यार। फाइव से नहीं करते हैं, 30 से करने से आएगा क्या, 5/6 का एलसीएम, 30 अगर किया तो हमने 30 करने से यहाँ पे 30c1 यहाँ पे 29 हो जाएगा, तो बढ़ जाएंगे। काम करो, ये बनेगा नहीं, बनने वाला नहीं है। काम करो, चेंजेस कर लो, प्रॉब्लम है यहाँ पे 0 दे दो, हाँ ठीक है, यहाँ पे 0 दे दो, हाँ यहाँ पे 0 दे दो, सब कुछ आएगा। हाँ कि ये होगा नहीं, ये प्रॉब्लम ही गलत दिया गया था, ठीक है, इसको 0 कर लो, क्योंकि दिक्कत ये है कि ना ये जो टर्म्स है, ये टर्म्स कभी भी फ्रैक्शन में ही रहने वाला है आगे चल के, ये दो टर्म है ना बाइनोमियली जब एक्सपेंशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, हाँ है ना, इसको 0 कर लो आप। हाँ अब शायद आ जाएगा आंसर, हाँ 0 करने के बाद आ जाएगा आंसर। भी करोगे तो फिर 29 है, फिर लफड़ा हो जाए सारे नंबर। हाँ अच्छा देख लो, d2y/dx2 यहाँ पावर क्या आ जाएगा, 5/6, और ये बन जाएगा dy/dx,
और ये पार्ट क्या आएगा 1/5 है ना, तो किससे आप मल्टीप्लाई करोगे? आप काम करना इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो कितना जाएगा 30। तो आपको क्या करना है ना, 30 पावर रख दो दोनों तरफ, क्लियर। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 25 है ना, क्योंकि जितने भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है ना वो सारे नंबर्स में होने चाहिए, उसकी पावर जो है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और ये 6 आ जाएगा। 6 आने के बाद अब तो बन गया, ठीक है। तो कितना जाएगा डिग्री यहाँ पे 25, हाँ 25 बन जाएगा। देखो थोड़ा सा अपन चेंज किए, गड़बड़ हो गया, अच्छा कोई बात नहीं। एक काम कीजिए आप लोग, ये बनाओ, एक्चुअल प्रॉब्लम ये था dQy/dx³(-dy/dx)³(1/3)=20। अब बनाइए, अब कुछ आ जाएगा। कैसा बताइए आप, आया क्या आंसर? नॉट एस है।
ठीक है। क्या लगाओगे? थ्री लगा दे ना, सिक्स सिक्स लगाए क्या? नहीं, यहाँ पे कर ले। ट्वेंटी की पावर एक्सप्रेशन आएगा ना वहां से कुछ, तो कैसे करेंगे कोई बताएगा? एक मिनट, क्यूब कर लेगा क्यूब, इससे हो जाएगा लेकिन दो टर्म पॉकेट में चला जाएगा। सिक्स लगाए क्या? सिक्स लगाने से फाइव बाई थ्री का टर्म आएगा और कुछ सिक्स लगाने से दो टोटल सात टर्म आएगा, सात में से चलो पहले स्क्वायरिंग करें क्या? नहीं, स्क्वायरिंग में दिक्कत है, स्क्वायरिंग में एक बढ़ेगा है। चलो पहले स्क्वायरिंग करते हैं ना, मैंने इसे अच्छा बनाते हैं, इससे क्या है स्क्वायरिंग कर देते पहले ना। तो स्क्वायरिंग करने से क्या है कि नहीं, ये टर्म अच्छा आ गया, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू है ना, और ये कितना कितना आएगा, डी वाई ओवर डी एक्स टू ओवर थ्री प्लस फोर्टी इंटू डी वाई ओवर डी एक्स पावर वन बाई थ्री और साथ में आ जाएगा यहाँ पे 400 है ना, क्लियर? अच्छा 400 को यहाँ पे लाते हैं तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यूब माइनस 400 ना। तो इसका तो कोई नफरा नहीं है, जो नफरा है इसका देखना पड़ेगा हमें, डी वाई ओवर डी एक्स टू टू ओवर थ्री प्लस 40 टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 है ना, याद है? क्लियर होगा आपको? अच्छा काम करो आप इसको क्यूब कर लो, हाँ क्यूब की तो मिटेगा शायद, तो क्यूबिंग करने से क्या होगा, क्यूबिंग करने से इसकी डिग्री 3 आ जाएगी है ना, और उसे हम लोग देखते हैं इसके साथ कुछ किया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये बनना चाहेगा क्यूब किया आपने तो डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर बना प्लस इसका भी क्यूब होगा, इसका मतलब 40 की क्यूब, तो लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स है ना, ये खत्म हो गया प्लस 120 इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/3 यहां पे
हाँ यहाँ पे आ जाएगा dy by dx की पावर क्या आएगा यहाँ पे 2 by 3 और साथ में ब्रैकेट में आ जाएगा टर्म हमारे this plus this dy by dx raise to 2 by 3 plus 40 times of यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, अभी किसी को यहाँ तक डाउट है तो बताइए। अच्छा ये बताओ, ये जब मल्टीप्लाई करेगा आपस में तो ये क्या बन जाएगा, पावर ऐड होंगे ना, तो ये आ गया डीवाई ओवर डी एक्स, है ना, क्योंकि 1/3 प्लस 2/3 ऑब्वियसली 1 माने बन जाएगा। हमें बस ये दिमाग में रखना है कि ना फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। हाँ अच्छा, तो चलिए इसे हम फिर से लिखना चाहेंगे एक बार, आगे आपको समझ में आएगा। तो इसके साथ तो कुछ छेड़खानी नहीं, हम लोग नहीं कर रहे, डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस 400 का होल क्यू, हाँ दिस इज इक्वल्स टू, ये आ गया हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 40 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 120 और यहां पे हम लोग लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अच्छा ये बताओ इसके प्लेस पे आप लोग क्या लिखना चाहोगे, जो ब्रैकेट में हमें दिख रहा है, ये जो टर्म आपको दिख रहा है ये ब्रैकेट में, इसके प्लेस में आप लोग क्या लिखोगे, इसके प्लेस पे क्या हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना यार, तो उसी तरह से यहां पे हम लिखना चाहेंगे मल्टीप्लाइड बाय क्या टर्म था हमारे पास डी क्यू वाई ओवर डी एक्स क्यू माइनस ऑफ 400, है ना। अच्छा तो अब देखिए, अब आगे आप सॉल्व मत करना, जितने भी जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट टर्म थे वो क्या हो गया, फ्रैक्शन की जो पावर है उससे आपका रिमूव हो गया, है ना, इससे रिमूव हो गया। तो डायरेक्ट अब डिग्री हमें लिखना है, तो डिग्री क्या बन जाएगा, है ना, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑब्वियसली जब आप इसे एक्सपेंशन करोगे तो इसकी पावर क्या आएगा, होल क्यूब, है ना, तो इसकी डिग्री क्या बन जाएगी, 3 बनेगी, है ना। डाउट है किसी को बताओ, नहीं, चलो तो यहां तक बना लो आप लोग। तो ये रहा ऑर्डर डिग्री का, यहां तक आप लिख लीजिए, हो गया ना, तो इसे हटा देते हैं।
ओके ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज या टॉपिक लिखिएगा, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. एक्सरसाइज 6.2 मतलब करना क्या है ना, हमें यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है, मतलब फॉर्म करना है. हाँ, कैसे फॉर्म करेंगे वो हम बता दें. और मतलब डीवाई बाई डी एक्स का टर्म, डी टू ओवर डी एक्स का टर्म, ये सब आना चाहिए. जैसे मान लो एक इक्वेशन, एक पैराबोला का इक्वेशन हम लेते हैं, सिंपल लेते वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a. इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. तो इसके लिए आप याद रखिएगा, जो कॉन्स्टेंट टर्म है ना उसे हमें हटाना पड़ता है. बराबर, कॉन्स्टेंट टर्म हमें यहाँ पे हटाना पड़ेगा. कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है, a है ना. ऐसा नहीं 4 आप लिख लोगे, मतलब आरबीटी कॉन्स्टेंट की बात हो रही है. ठीक है, ए बी सी जितने भी टर्म आएंगे, ये सब टर्म अगर आप मतलब एलिमिनेट कर रहे हो तो फिर हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा. तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, सिंपल है. पहले हम इसके साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे. हाँ, तो अगर आपने डिफरेंशिएशन किया तो क्या आएगा, 2y इंटू dy ओवर dx इज इक्वल टू क्या आएगा, 4a, है ना. क्लियर, क्या a हमारा एलिमिनेट हुआ, अभी नहीं हुआ ना a एलिमिनेट. तो फिर आप क्या करोगे, अब बोलोगे सर एक काम करो, फिर से डिफरेंशिएशन करो, तब ये कॉन्स्टेंट टर्म हट जाएगा, है ना. लेकिन इन जनरल आप याद रखना, या इन जनरल क्या हमेशा होता है भाई, जितने कॉन्स्टेंट उतने बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, है ना. क्योंकि आप इसे डिफरेंशिएशन करते रहोगे तो ये तो मतलब होते रहेगा ना. जितने कम टाइम में, जितने कम स्टेप्स में आप डिफरेंशिएशन करके उसका आंसर निकाल लोगे, मतलब उस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को अगर आप हटा दोगे तो वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, है ना. तो अब बताइए यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने थे, हाँ एक है ना. तो जब एक है तो हमें डिफरेंशिएशन कितने बार करना है, एक ही बार करना है. एक बार तो हो गया, तो क्या करें आप आंसर लाने के लिए, क्या करें, ऐसा कर सकते हैं क्या, 4a यहां भी है, 4a यहां भी है, हमें तो a को हटाना है ना जी. तो क्या 4a की वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लें, है ना. अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करते हैं तो जो हमारा a है वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा. तो अब कैसा रहेगा चेहरा देख लो, अब इक्वेशन कुछ इस तरह का दिखने वाला है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y मल्टीप्लाइड बाई dy ओवर dx, साथ में हमारे पास x भी है. ओके, अच्छा एक वाई तो चला गया है ना, तो देन आई गेट y इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाइड बाई dy ओवर dx, है ना. अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे कोई भी a का टर्म नहीं है ना, मतलब आर्बिट्री कॉन्स्टेंट का टर्म नहीं है. तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना. क्लियर, अच्छा. और एक बात, इन जनरल पूछता क्या है ना, डायरेक्ट आपको ये देगा, पूछेगा ऑर्डर क्या होगी, है ना. ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है इसका, 1 है ना. बराबर, तो ये विदाउट डिफरेंशिएशन भी हम कर सकते हैं. कैसे, कि ना अगर यहाँ पे कॉन्स्टेंट कितने, एक ही है ना, तो हमें एक ही बार डिफरेंशिएशन करेंगे तब जाकर ये ए जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा. तो आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं 1, अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना. ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, इसकी ऑर्डर क्या होगी अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, तो इसकी ऑर्डर क्या होगी, है ना. तो विदाउट सॉल्विंग भी आप लिख सकते हैं ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा. लेकिन ये सिर्फ एमसीक्यू में आएगा, है ना. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आरबीटी कॉन्स्टेंट कितने हैं, एक ही है. अगर 2 रहते तो ऑर्डर 2, 3 रहने से कितने हो जाएंगे, 3. बराबर है, जितने रहेंगे आरबीटी कॉन्स्टेंट उतने ही आपके ऑर्डर भी कहलाएगा. हाँ, क्या क्या, हर केस में यही होगा.
लेकिन डिपेंड करता है कि ना वो कैसा, अभी करवाते हैं कॉन्स्टेंट। अब मान लो ऐसा आ गया कहीं से, सपोज इसी में चलो छोटा सा एग्जांपल बता दें, मान लो ऐसा हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर इन ब्रैकेट ए प्लस बी। अच्छा यहाँ पे ए भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, बी भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो आपको लग रहा होगा ऑर्डर कितना होगा यहाँ पे, दो, क्योंकि कॉन्स्टेंट यहाँ पे दो है। लेकिन आप ये देखिए ए प्लस बी कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट क्या आने वाला है, कॉन्स्टेंट आने वाला है ना। तो ये जो है ए प्लस बी एज ए वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा है ना, ये आपका एज ए वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बिहेव करेगा, क्लियर। तो जाके इसकी ऑर्डर क्या हो जाएगी, वन ही रहने वाला है ना। क्या हुआ, हाँ तो वो डिपेंड करता है ना, हाँ कॉन्स्टेंट ही आएगा ऑब्वियसली, हाँ वन ही होगा। मान लो फोर ए बी या बहुत सारे टर्म रह गए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो वो सभी क्या रहेंगे, एक ही कहलाएंगे। फोर हाँ फोर ए बी एक तरह से, तो भी तो कॉन्स्टेंट एक ही हो गया ना, कॉन्स्टेंट 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 है ना। अब मान लो ऐसा कहीं फिर y इज इक्वल टू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है ना। अब देखो आप यहाँ पे तो टर्म अलग अलग हो गए ना, तो यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, बराबर है। काम भी समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि ये तो इसके साथ कोई संबंध बनाएगा ही नहीं है ना, अलग अलग है दोनों। ऐसा नहीं यहाँ पे कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट या कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाई कॉन्स्टेंट, ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए, तो इसके ऑर्डर कितने आने वाले हैं, दो आने वाले, क्लियर है ना। तो ये सब पूछ सकता है आपको कंपटीशन में, लेकिन बोर्ड में आपको ऐसा नहीं पूछेगा, वो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना पड़ता है, सॉल्व करके हमें पूरा दिखाना पड़ेगा। चलिए और इसमें कुछ है नहीं, और बाकी आपको इस चैप्टर में सर्किल पैराबोलास के इक्वेशन आपको लर्न होने चाहिए, तभी जाकर आप प्रॉब्लम को आगे बढ़ा सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 लिखिएगा, एक्सरसाइज 6.2 क्या बता रहा है, पहला प्रॉब्लम ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्री कॉन्स्टेंट C1, C2, मतलब जितने भी कॉन्स्टेंट है उसे आपको एलिमिनेट करके हमें यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन लाने हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते, तो वन का पहला हम लोग फोर करते हैं ना। चलो क्या लिखा हुआ जी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल क्यूब, बराबर। इसका इसको हमें क्या करना, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना। अच्छा कॉन्स्टेंट कितने हैं, एक है, तो मतलब आप मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब आप कितने बार इसको डिफरेंशियल कर सकते हो, एक बार, okay. इस बात का आप ख्याल रखें। तो क्या करोगे, ऐसे लिख सकते हो इसको, डिफरेंशियल करो पहले, 2y मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय dx है ना, इक्वल टू क्या लिखोगे, 3 इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आएगा x प्लस सी का होल स्क्वायर। ये तो हटा नहीं थी, क्यों ना ऐसा करें, x प्लस सी की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां यहां हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लें, तो x प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो ये बन जाएगा 2/3 y डिवाइड बाई डी है ना, दिस इज इक्वल्स टू, ये आने वाला है x प्लस सी का होल स्क्वायर, बराबर। अब क्या करो, वही हाफ हाफ से एक्स प्लस सी निकाल लो, कैसे निकलेगा जी, कुछ नहीं, यहां पे क्या आ जाएगा, आधा है ना। अब ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट किया वही वैल्यू आप इस जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लो यार, तो कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये बनेगा 2y 3y इंटू डीवाई बाई डी एक्स, और पावर में क्या आ जाएगा,
थ्री है पहले से और अपॉन टू आ गया, ये हो गया लो। हाँ, अगर इस तरह का प्रॉब्लम है आपको डिग्री निकालने के लिए बोलते हैं तो डिग्री के लिए हमें पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, सब ख्याल रखे। अगर आपको डिग्री निकालने के लिए बोला जा रहा है तो डिग्री हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाकर डिग्री आप डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। जैसे ऑर्डर तो सिंपल था, ऑर्डर सिंपल था, कभी कभी डिग्री पूछ लेता, लेकिन डिग्री अगर पूछेगा तो ऐसा रहेगा जो आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, बराबर, मतलब हो जाएगा। और अगर ऑर्डर पूछ रहा है तो समझ जाना आपसे कॉन्सेप्ट ही पूछ रहा है वो। ऑर्डर अगर पूछ रहा है तो इसका मतलब समझ जाना आप कॉन्सेप्ट पूछ रहा है। इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो काफी दिक्कत में पड़ जाओगे, मतलब इसको सॉल्व भी नहीं होगा, बहुत मुश्किल से सॉल्व होगा। गोली मारी, आगे बढ़े। अच्छा ठीक है, आप 1 का 5 बताना, अगर हम प्रॉब्लम अगर गलत लिखेंगे तो बता देना, हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अलग दिख रहा है हमें, मतलब तो y इज इक्वल टू ए रेस टू 5x है प्लस b टाइम्स ऑफ e रेस टू माइनस ऑफ 5x, यही है ना प्रॉब्लम, देख लीजिए। यही है शायद, क्योंकि 5 और 3 में कंफ्यूजन हो रहा है, जो भी है चलो यही प्रॉब्लम है। तो करना क्या है, डिफरेंशिएशन कितने कांस्टेंट है जी, 2 कांस्टेंट है, दोनों अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन 2 बार में आंसर आप किसी तरह निकालो, है ना। तो कितना आएगा डीवाई ओवर डी एक्स, 5 a e की पावर 5 माइनस 5 b e रेस टू माइनस 5, और पूरे डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई बात नहीं। एक बार फिर से डिफरेंशिएशन कर ले भैया, d2 ओवर dx² क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, 25 a e रेस टू 5x माइनस, सॉरी प्लस बन जाएगा ये 25 b e रेस टू माइनस ऑफ। आंसर हमारा अभी तक नहीं आया है, क्या करें, फाइव एक्स ही है ना, कहाँ पे नहीं, e रेस टू 5x का डिफरेंस में क्या होगा, e रेस टू 5x मल्टीप्लाइड बाई 5 चेन रूल, यहां कुछ कॉमन जाएगा, 25 कॉमन जाएगा, क्या आ गया देखो तो आपके पास, a e रेस टू 5x प्लस b इंटू e रेस टू माइनस ऑफ, क्लियर। अच्छा इसके प्लेस में आप लोग क्या लिख सकते हो, a e रेस टू 5x प्लस b मल्टीप्लाइड बाई 5 रेस टू माइनस x e रेस टू माइनस 5x, y लिख सकते हैं ना जी, है ना। y लिखने के बाद इसका मतलब क्या आ गया आपके पास, d2y ओवर dx² = 25y, है ना, क्लियर। इसी के सिमिलर
प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है नंबर एक, देखो y इज इक्वल टू c1 बाय e रेस टू 2x है, हाँ e रेस टू 2x प्लस c2 e रेस टू 5x लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे एलिमिनेट करना है, चलिए बनाइए ऐसे c1 c2 को एलिमिनेट करना है, C1 C2 को हमें एलिमिनेट करना है। दो ही बार आप डिफरेंशिएशन कर सकते हो, है ना, ये कितना आ जाएगा 2c1 e रेस टू प्लस 5c2 e रेस टू 5x, है ना। अब क्या करें, एक काम करते हैं, ये जो दिख रहा है या फिर यू कह लीजिए जो c2 e रेस टू 5x है, क्या उसकी जगह आप लिख सकते हो y माइनस c1 e रेस टू 2x, है ना। चलो तो लिखने का कोशिश करेंगे हम लोग, तो देन आई गेट dy ओवर dx और दिस इज इक्वल टू 2c1 e रेस टू 2x प्लस 5 टाइम्स ऑफ y माइनस c1 e रेस टू 2x, है ना। ये देन अपन ने इसे सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 5y, है ना। इसके बाद 2c1 minus 5c1, so this will become minus 3c1 e raised to 2. चलिए ये तो हमारा dy over dx, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, इसके साथ डिफ्रेंसिएशन कर लो फिर से, तो देन आई गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव डी वाई बाई डी एक्स माइनस ऑफ ये बन जाएगा सिक्स सी वन ई रेस टू टू। अब बेसिकली अब कुछ नहीं बचा, इसको हटा दो, यहां से हटा दो तो आ जाएगा फॉर, मतलब आप क्या करो यहां पे फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट पार्ट में इसकी वैल्यू यहां से निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट कर लो, तो कितने आने वाली है वैल्यू तो देखते हैं। c1 e रेस टू 2x दिस इज इक्वल टू c1
फाइव वाई माइनस डीवाई बाई डी एक्स रेस टू 1/3 है ना। तो ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर ले तो कितना आ जाएगा, तो देन आई गेट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय डीवाई बाई डी एक्स माइनस 6/3 दिस विल गिव यू 2। सो 2 इन ब्रैकेट 5 वाई माइनस डीवाई ओवर डी एक्स, देखो ये हमारा एलिमिनेट हो गया, सी वन सी टू एलिमिनेट हो गया। तो वन पार्ट का और कोई प्रॉब्लम बताना है तो बताइए। वन पार्ट का और कोई प्रॉब्लम बताना है तो बताइए, अगर नहीं है तो फिर 2 से 7 तक इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, अच्छा ठीक है बताते हैं नंबर 10। हाँ इसे एलिमिनेट किया ना यहाँ, इसकी वैल्यू निकाला मतलब इसी एक्सप्रेशन में ये जाएगा ना यहाँ डिवाइडेड इस यहाँ है। नंबर 10, y इज इक्वल टू e रेस टू माइनस 2x इन ब्रैकेट आई हैव a cos x प्लस प्लस b sin x a cos x प्लस बी साइन एक्स सही है ठीक है। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन अगर आप कर रहे हो आई हैव डीवाई अपॉन डी अपॉन डीवाई अपॉन डी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई ये बनना चाहेगा माइनस ए साइन एक्स है ना प्लस बी कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय तो ये बन जाएगा तुम्हारा इस प्लस को चेंज करके माइनस रखते हैं और ये आ जाएगा तुम्हारा 2 मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू ये एलिमिनेट हो गया। ओके अच्छा क्लियर। अब आप देखिएगा दिस टर्म एंड दिस टर्म जो अभी हम अंडरलाइन दिए हैं व्हाइट चॉक से तो क्या इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो y लिख सकते हो ना y ठीक है
इसके प्लेस पे आप लोग क्या लिख सकते हो, y लिख सकते हैं। तो फिर हमारा एक्सप्रेशन कैसा रहा देखने में, dy ओवर dx e रेस टू माइनस टू x, और यहाँ पे जो टर्म है वो लिखना चाहेंगे हम माइनस a साइन x प्लस b cos x। और यहाँ पे आप लिख दोगे माइनस ऑफ कितना टू वाई, टू वाई है ना, क्योंकि आपके पास आरबीटी कॉन्स्टेंट दो है तो आपको तो यहाँ पे दो बार डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता पड़ेगी है ना, टू टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन करना ही है। चलते हैं तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ये क्या बन, ये क्या बनेगा भाई, यूवी लगाना है तो क्या आएगा ई रेस टू माइनस टू एक्स कॉन्स्टेंट, यहां पे क्या आने वाला है माइनस ए कॉस एक्स, ठीक है, यहां पे क्या आएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस ऑफ बी साइन एक्स, माइनस ऑफ बी साइन एक्स, क्लियर, प्लस प्लस आप क्या करोगे यहां पे ये टर्म माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और इसके प्लेस पे आप क्या लिखना चाहोगे मल्टीप्लाइड बाय, उसकी डिफरेंशिएशन माइनस आएगा तो यहां पे भैया माइनस टू लिख लेते हैं, यहां पे क्या लिख ले फटाफट माइनस टू लिख लेते हैं ना, और साथ में आएगा e की पावर माइनस टू एक्स है ना, क्या आ जाएगा e रेस टू माइनस टू एक्स। और कोई छूट गया क्या, हाँ वाई वाई रह गया है जी, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस ऑफ टू वाई की जगह पे क्या लिखोगे आप डी वाई ओवर डी एक्स, लिख रहा है ना, तो लंबा एक्सप्रेशन आ गया, कुछ करना नहीं है। चलिए यहां तक लिखने के बाद आगे यहां पे हम सॉल्व कर दें, लंबा इक्वेशन बनेगा तो एडजस्ट कर लेना, वो ये तो प्रॉब्लम लिखा हुआ है, आया चाहिए, अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, तो कितना आना चाहिए अब, ठीक है, अब आएगा यहां पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आप माइनस कॉमन ले लोगे ना यार, है ना, तो आपने माइनस कॉमन लिया तो क्या आ गया माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए कॉस एक्स प्लस बी ऑफ साइन एक्स, क्लियर, और हाँ जी, और ध्यान से देखना ये जो टर्म था आपका माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस टू एक्स, माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस साइन एक्स, यहां से आपको समझ में आ गया, डायरेक्ट समझ में आ गया, आपको क्या लिखना है उसके जगह, हाँ तो माइनस टू यहां पे हम लिखना चाहेंगे, और यहां पे आप लिखोगे ब्रैकेट में dy ओवर dx साथ में प्लस टू वाई है ना, ये होगा, क्लियर, हाँ हाँ वो तो होगा, और बच गया एक टर्म माइनस टू dy ओवर dx, नेक्स्ट क्या करना है आपको, बोला
अब ये बताइए इसके प्लेस में आप लोग क्या रखोगे? वो आपको दिख रहा है यहाँ से वाई रख दोगे, ठीक है। तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास एक्सप्रेशन डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, हाँ साथ में। अच्छा अगर आपने इसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा भैया? माइनस टू डी वाई वाई डी एक्स माइनस फोर वाई माइनस टू डी वाई वाई डी एक्स, तो ये आ गया तुम्हारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा तुम्हारे पास माइनस फाइव वाई माइनस फोर मल्टीप्लाई बाई डी वाई वाई, तो बस आपको एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करोगे रास्ता खुद से खुद निकलेगा। चलो लिख लो यहां तक। एक क्लास और लगेगा फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ एक क्लास और लगेगा उसके बाद ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सुनिए और कुछ और आप ट्राई करना यहां से, अब कुछ डाउट होगा तो बता देना। ओके तो आप नंबर थर्ड देखिए, नंबर थर्ड प्रॉब्लम मतलब वर्ड प्रॉब्लम के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है। क्या बता रहा है यहां पे? फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल द पैराबोलास हैविंग लेंथ ऑफ लैटर सेक्शन 4a एंड एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसकी इक्वेशन कैसा होगा देखने में, समझ लो ना। ये मान लो कोई है कर्व, ये पैरेलल हो गया, तो इसकी वर्टेक्स क्या लेना है? वर्टेक्स आपको यहां पे एज्यूम करना पड़ेगा यार, अल्फा बीटा है ना, अल्फा बीटा हमने एज्यूम कर लिया, ये आपको ने पढ़ाया था आपको एरिया में, है ना। तो क्या था इक्वेशन इसका? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए, लेकिन वर्टेक्स आ गया तो यह बन जाएगा y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये यहां पे हम लोग क्या लिखते हैं 4a, क्या लिखते हैं लेंथ ऑफ लैटर सिस्टम ना, क्लियर। 4a हो गया यहां पे और साथ में आएगा यहां पे x माइनस अल्फा, है कि नहीं, x माइनस अल्फा, क्योंकि जो a होता है ना वो डिस्टेंस होता है बिटवीन किसके बीच, वर्टेक्स एंड फोकस, और लैटर सिस्टम 4 टाइम्स होती है, इसलिए यहां पे बताओ आप कॉन्स्टेंट कितने हैं, कॉन्स्टेंट कितने हैं? दो है ना, तीन है। देखो 4a हमारे प्रॉब्लम में दिया गया है, नहीं प्रॉब्लम में दिया गया है 4, तो ये आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नहीं है। इस कहानी में जो अल्फा बीटा हमने एज्यूम किया था यही आपका आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ना, क्योंकि जो प्रॉब्लम में दिया रहेगा वो तो है ही, उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो कॉन्स्टेंट नहीं हो, क्या होगा जो हमने एज्यूम किया है ना, जो एक्स्ट्रा टर्म हमने एज्यूम किया है वो बन जाएगा हमारा आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। तो अभी डिफरेंशिएशन करना है इसे, कितना हो डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टू वाई माइनस बीटा इसके बाद डीवाई बाई डी एक्स है ना, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भैया 4a,
कि x माइनस अल्फा की डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये आ गया। तो क्या करें, चलो एक तो चला गया अल्फा चला गया है ना, बीटा को भगाना है बस, बीटा भागेगा। अभी आ गया तुम्हारे पास y माइनस बीटा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू सॉरी, तो फिर से आप डिफरेंशिएशन करो तो क्या आएगा, y माइनस बीटा कांस्टेंट रहेगा, बाकी इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भैया, डी टू वाई ओवर प्लस, देखो dy ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा और y माइनस बीटा का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा भाई, dy ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू टू ए। अच्छा a तो कांस्टेंट है ना, क्योंकि वो बता दिया लेंथ ऑफ लैटरल सिस्टम वो क्या होता है, कांस्टेंट ही होता है, तो ये हो गया जीरो। क्या आंसर आया हमारा अभी तक, नहीं आया, क्यों, क्योंकि y माइनस बीटा, बीटा तो रह ही गया, तो क्या बीटा की वैल्यू आप लोग यहां से फाइंड आउट कर लो, कितना जाएगा बीटा की वैल्यू, y माइनस बीटा बराबर क्या लिखोगे, 2a मल्टीप्लाइड बाय dx ओवर dy, dx ओवर dy, ये वैल्यू आपको यहां पे सब्स्टिट्यूट करना है, समझ में, ये जो y माइनस बीटा है ये वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर लोगे, तो कितना आ जाएगा आंसर, एट लास्ट 2a dx ओवर dy, साथ में भैया d2y टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहां पे dy ओवर dx का होल स्क्वायर। देखो अल्फा भी एलिमिनेट, बीटा भी एलिमिनेट, आपका आंसर सही सलामत आ गया। बाकी वो बना लोगे है ना, अच्छा नंबर सिक्स वाला में सेंटर जो दिया हुआ है ना एच कॉमा के, वही आपका आर्बिट्री पॉइंट है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका आप ख्याल रखें। एक्सरसाइज 6.3, इसमें कुछ है ही नहीं, अभी घटिया प्रॉब्लम है, इसमें बस आपको वेरीफाई करवाना है ना, वेरीफाई हो जाएगा तो खत्म।
चलिए फिर भी एक दो कॉलम करवा लेते हैं। क्या बता रहा है यहाँ पे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल वेरीफाई दैट द गिवन एक्सप्रेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें वेरीफाई करवाना है। जैसे मान लो सेकेंड लेते हैं, प्रॉब्लम ऐसा दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स होल स्क्वायर, हमें ये वेरीफाई करवाना है। अच्छा, ऐसा प्रॉब्लम आपने किया होगा, कहाँ पे किया होगा पता है? सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री जब किया होगा ना आपने डिफरेंशिएशन का हायर ऑर्डर में, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें देखना इस तरह का प्रॉब्लम। हाँ करो, फिर भी कम कर, मतलब करवा देते। हाँ मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या, अगर y की वैल्यू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, तो हमें ये वेरीफाई करवाना है, मतलब ये जो y है ये इसे सेटिस्फाई करेगा और कुछ नहीं। हाँ, ये जो y है ये आपको सेटिस्फाई करेगा, उसे सेटिस्फाई करने वाला है, तो क्या करें? चलो पहले देखो y तो है यहाँ पे, आप डिफरेंशिएशन करो, तो डिफरेंशिएशन करने से क्या आएगा, dy ओवर dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, भग गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 साइन इनवर्स x इंटू वन ओवर अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर है ना। इसके बाद क्या होगा, अभी आप नहीं करोगे क्योंकि अगर आपको याद होता है तो इसे हमने यहाँ पर ट्रांसफर किया करते थे। हाँ, तो अगर आप ट्रांसफर करोगे तो कुछ ऐसा आएगा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे भैया डीवाई ओवर डी, और ये हो गया तुम्हारा 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन इनवर्स है ना। अच्छा, अब फिर स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, क्योंकि ये टर्म पे कोई रूट्स नहीं है, इसलिए काम करते हैं इसे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो अगर आपने इसे स्क्वायरिंग किया तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा यहाँ पे, डीवाई ओवर डी एक्स होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या बनने वाला है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा और साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, मतलब उसके जगह आप वाई लिख सकते हो है ना, तो क्या लिख देंगे भैया यहाँ पे, 4 मल्टीप्लाइड बाई वाई है ना। चलिए आगे आप डिफरेंशिएशन करो इसका और इसका, तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट और उसकी डिफरेंशिएशन में आ जाएगा यहां पे 2 डीवाई बाई डी एक्स और यहां पे आएगा यहां पे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस ये टर्म कॉन्स्टेंट dy ओवर डी एक्स स्क्वायर डीवाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट होगा, इसकी डिफरेंशिएशन बन जाएगा माइनस टू। आगे आप देख सकते हो फिर क्या बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर डी एक्स है ना, ये हो जाएगा। अच्छा, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कॉमन यहां से आपको दिखेगा 2 इन टू डीवाई बाई डी एक्स, सारे टर्म से कॉमन हो गए, क्योंकि देखो यार यहां पे है और यहां भी आपको दिख ही रहा होगा ये 2 है, ये डीवाई बाई डी एक्स है, यहां भी कुछ है वैसा टर्म, तो अगर आपने कॉन्स्टेंट लिया तो फिर क्या आ जाएगा यहां पे, देन आई गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टाइम्स ऑफ एक बचेगा डीवाई बाई डी एक्स, यहां भी वही कर लो आप,
टू इन टू डीवाई बाई डी एक्स आप कॉमन ले लो तो बचने वाला क्या है यहाँ पे, टू बच गया है ना। फिर आप देखिए ये टर्म कैंसिल हो गया और आपका रिजल्ट प्रूव हो गया। अगर आपको याद होगा ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमने हायर मतलब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में ऐसा प्रॉब्लम था। हाँ वैसे भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा लेकिन बन जाएगा। अच्छा आपको कैंसिलेशन का पता होगा ना, क्योंकि कैंसिलेशन हमने क्यों किया, क्योंकि ये पार्ट कभी जीरो नहीं हो सकता डीवाई बाई डीएक्स का। सोचो अगर डीवाई बाई डीएक्स जीरो हो जाए सपोज, बराबर कैंसिलेशन का पता है ना कॉमन लेके जैसा कुछ होता है, तो अगर ये जीरो हो गया तो एक्स को जीरो होना पड़ेगा, एक्स जीरो हो गया तो फिर मामला ही निपट गया है, तो फंक्शन ही नहीं रहेगा तो डायरेक्ट कॉन्स्टेंट बन जाएगा। हाँ कुछ प्रॉब्लम्स वैसे होते हैं जहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन का ही सहारा लेना पड़ेगा, जैसे और एक प्रॉब्लम दिखा देते हैं फिर ये एक्सरसाइज 36.3 कंप्लीट हो जाएगा। चार नंबर क्या लिखा हुआ, वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एम, ये दिया गया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू एम इज ए सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इस तरह के प्रॉब्लम में आपको वही करना पड़ेगा, वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वेरीफाई करवा के आप आंसर यहां पे ला सकते हैं, है ना, ये आप कर सकते हैं। ओके तो चलो फटाफट कहते y की वैल्यू हमें पता है, इसका मतलब हमें dy ओवर dx की वैल्यू पता हो गया, कितना हो गया m x रेस टू m माइनस वन है। अच्छा अगर dy बाई dx की वैल्यू पता चल गया तो अपन को d2y टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या बनने वाला है m मल्टीप्लाइड बाई m माइनस वन एक्स रेस टू एम माइनस टू एक्स रेस टू एम माइनस टू। अब वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो लिख लो यहां डेयर फुट एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर एम एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई। हाँ इसे सॉल्व करके आंसर हमारा जीरो आना चाहिए, तो दिस इज इक्वल्स टू इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है, दिस विल बिकम एम मल्टीप्लाइड बाय एम माइनस वन एंड एक्स रेस टू एम आएगा माइनस एम और वहां पे आना चाहिए आपका एक्स रेस टू एम, फिर आपका दिया हुआ है प्लस एम वाई मतलब एम
अच्छा गलती कर लिया ना यहाँ पे, m के साथ उसका होगा डिवाइड बाई dx का, तो यहाँ पे m स्क्वायर आएगा हाँ, और ये यहाँ पे x टू m होगा है ना clear। तो और देखिए कॉमन है x टू m, x टू m, x टू m, चलो कॉमन ले लो क्या आएगा इसे अगर आपने ओपन किया तो एम स्क्वायर यहाँ पे थर्ड टाइम कैंसिल होगी कितना आ गया, तो ये हो गया प्रूफ। ओके तो बाकी आप लोग बना लोगे है ना एक्सरसाइज 6.3 का, बाकी आप लोग बना लोगे। नेक्स्ट है ना, ये तो खैर सिंपल रहा है। तो हमने अभी ऑर्डर सीखा, डिग्री सीखा, एक फॉर्मेशन, और ये तो खैर कुछ मतलब था ही नहीं। डिफरेंस करने के बाद आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक लिखेगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को अब हमें सॉल्व करना है। क्लियर? अब डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकालना है। अभी हम जा रहे थे सीधा, अभी हमें उल्टा सीखना है। क्लियर? जैसे फॉर्मेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, तो अब क्या क्या इक्वेशन दिया रहेगा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, और साथ में आपको वहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो मेन टॉपिक यही है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें दो तरह की सॉल्यूशन होती है, एक होती है जनरल सॉल्यूशन और एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर? जनरल सॉल्यूशन में याद रखना C1 C2 कांस्टेंट रहेगी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको कुछ गिवन पैरामीटर्स दिए रहेंगे, वहां से आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट। जनरल सॉल्यूशन में क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ C1 C2 हमें लिखना पड़ता है, मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है। चलो प्रॉब्लम के साथ बताएंगे। ओके तो पहला लिखिएगा आप, उसके टाइप्स होते हैं। ओके टाइप्स होते हैं, तो पहला लिखिएगा टाइप 1। टाइप वन है ना, तो लगाया एक मिनट धैर्य रखना।
हाँ टाइप वन है आपके पास। इंटीग्रेशन अगर अच्छा है तो ये चैप्टर में कुछ दम ही नहीं है। बेसिकली होता क्या है ना, आप यहाँ पे इफेक्ट लिखोगे, इफेक्ट का टर्म एक तरफ और जो y की टर्म है, एफ वाई पकड़ लो या जी वाई पकड़ लो, उसका टर्म एक तरफ, हाँ ये याद रखना बराबर। क्योंकि अगर आपने dx का टर्म एक तरफ, dy का टर्म एक तरफ, अगर ऐसा है तो आप क्या लगा सकते हो, ये करने के बाद पहला स्टेप हमारा ये होगा कि x की टर्म को एक तरफ, y की टर्म को एक तरफ, ओके हाँ हाँ, वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, क्या बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लिख लेना नाम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब आप इंडिकेशन लगा दो यार, इंडिकेशन आप क्या हो, इफेक्ट दिए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ आई डी, बस हो गया। अब तो इसे आप सॉल्व कर लोगे, यही स्टेप है और इसमें कुछ है नहीं वैसा कुछ, बस एक x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ, इतना ही हमें करना है, आगे कुछ नहीं। ओके चलिए फिर फॉर्म दिखाते हैं, अभी एक्स है 6.4, सेकेंड है ना, सेकेंड जितने भी है वो उसी टाइप के हैं, ओके सेकेंड जितने भी है वो उसी टाइप के हैं, जैसे मान लो सेकेंड का सेकेंड दिखाते हैं, लॉग डीवाई अपॉन डी एज इक्वल्स टू 2x + 3y, log dy over dx is equals to 2x + 3y। तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, e के टर्म में लिख सकते हैं ना, तो आपने क्या किया, पहले log को ट्रांसफर कर लिया है, तो अभी कितना आएगा, dy by dx is equals to e raised to how much 2x + 3y, so this is equals to e raised to 2x multiplied by e raised to 3y। हाँ अब हमें क्या करना था, x की टर्म एक तरफ, y की टर्म दूसरी तरफ, तो देन आई गेट, अच्छा dy को लाने के लिए इस टर्म को हमने इधर लाया, तो दिस विल बिकम e रेस टू माइनस ऑफ 3y, ये क्या बन जाएगा, e रेस टू 2x और यहां पे आ गया जी 2। अब इंटीग्रेशन लगा देते, तो इंटीग्रेशन लगाने के बाद क्या आ गया, इसके कैंसिल, ई रेस टू माइनस 3y ओवर माइनस 3 है ना, एंड दिस इज इक्वल्स टू, इसका क्या होगा यहाँ पे, ई रेस टू 2x ओवर 2 है ना, खत्म। लेकिन एक आएगा प्लस c है ना, मतलब कांस्टेंट तो दोनों के लिए आएगा, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे c1 आ रहा है, यहाँ पे c2 आ रहा है, ओके आपने ट्रांसफर किया यहाँ पे, तो क्या हो गया, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट, क्या बनेगा कॉन्स्टेंट, तो प्लस सी आप कहीं भी दे सकते हो है ना, लेकिन प्लस सी देना बस, ऐसा नहीं आप यहां दे दो कोई दिक्कत है, यहां भी दे सकते हो आप, यहां भी दे सकते हो है ना, दोनों तरफ मत देना, ओके दोनों तरफ भी दे सकते हो, लेकिन वो फिर बाद में वो एक ही आ जाएगा है ना, कॉन्स्टेंट माइनस कॉन्स्टेंट या फिर कॉन्स्टेंट प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ही देता है, तो प्लस सी हमने यहां पे दे दिया। इस साइड आप दो, राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड, कोई मतलब नहीं है, आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो मतलब इस तरह को इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं ना, जनरल सॉल्यूशन, हाँ याद रखना, ये जो अभी हमने आपको बताया ये कहानी किसकी हो गई, जनरल सॉल्यूशन, हाँ भाई अगर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलता तो कुछ बता देता कि अगर x इतना है तो y इतना है, ठीक है ना, x इतना है तो वाई इतना है, तब जाके सी आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में आप याद रखना हमेशा सी की जो कॉन्स्टेंट वैल्यूज है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने पड़ती है,
हाँ आगे बढ़े। चलो एक आप बनाइए नंबर फाइव। नंबर फाइव ये बता रहा है कॉस एक्स कॉस वाई इंटू डी वाई माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई इंटू डी ए अच्छा तो और कुछ चैप्टर शायद नहीं बचा है ना हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन को हटा के और कोई चैप्टर तो नहीं बचा है यही लास्ट चैप्टर शायद चल रहा है ना और कुछ बचा है क्या ध्रुव ओके ठीक है फिर ऐसा करेंगे कि यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको मतलब पढ़ा दिया जाएगा हाँ ताकि वो एक्सरसाइज 6.6 में फिर दिक्कत होगा आपको ओके एक्सरसाइज 6.6 में आपको दिक्कत हो सकता है आया कैसे हाँ ठीक है वो तो आ जाएगा है ना इंटीग्रेशन करोगे तो tan x और cos x के साथ आ जाएगा चलिए ओके नेक्स्ट नंबर एट y क्यूब माइनस डीवाई ओवर डी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डीवाई ओवर डी एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं y क्यूब और इसको आप यहां पर ले जाओ तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय dy ओवर dx है ना तो x को यहां पे ले आओ तो वो बन जाएगा तुम्हारा हाँ dx ओवर x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू y रेस्ट माइनस 3 इंटू dy है ना ये इजिली बन जाएगा अब तो कुछ वैसा धंधा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है इसको बना लो एक बार ये लास्ट प्रॉब्लम रहेगा cos of dy by dx is equals to a मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे हम दिखाना चाहेंगे इसीलिए और दिया हुआ यहां पे कंडीशन y0 is equals to 2 a कॉन्स्टेंट है ओके
ए कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? कॉस इनवर्स है ना, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा कॉस इनवर्स ए। ये इंटीग्रेशन आ गया, ओके। तो ये आ गया तुम्हारा वाई बराबर एक्स इंटू कॉस इनवर्स प्लस सी रहेगा कॉन्स्टेंट। y जीरो का मतलब क्या होता है ना, ये जो y है इसका मतलब ये होगा कि ना when x is equal to zero y is equal to two है ना, इसका मतलब आपको ये मतलब यही समझना है, x की वैल्यू जीरो होगा y की वैल्यू टू है, तो फिर वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो टू इज इक्वल टू, अच्छा x तो जीरो ही आ गया है ना, प्लस c, तो आप देखिए यहाँ से c की वैल्यू आ गई, तो जो सी की वैल्यू है ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या आ गया आपके पास, वाई इज इक्वल टू एक्स इन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ए प्लस टू, ओके प्लस टू, और इसी को कहा जाता है क्या पर्टिकुलर है ना, चलिए लिख लीजिए, ओके ठीक है। तो आगे और भी दो टॉपिक बाकी है, नहीं तो फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ा देंगे क्योंकि वो एक्सरसाइज में काम में आएगा, ठीक है फिर, ओके अभी रखते हैं।